आईपीएल 2024 में मैन इन ब्लू की टक्कर होने वाली है। जबरदस्त मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली का मैदान, दिल्ली करेगी मुंबई का स्वागत अल्टीमेट स्टाइल में। फैशन होगा ऋषभ पंत का, जिन्होंने लास्ट मैच में खेली 88 रन की नॉक। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या की टीम दम दिखाएगी। अब इस सीजन अच्छा नहीं रहा है परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस की टीम का। वहीं दिल्ली की टीम जो रिदम की तलाश में थी सीजन की स्टार्टिंग से ही, जो लास्ट सीजन उनका घटा था, कुछ अलग करने के इरादे से उतरी थी ऋषभ पंत के कमबैक के बाद। वो रिदम, वो मोमेंटम साफ देखने को मिला, और खासकर लास्ट मैच पे जहां पर ऋषभ पंत ने खेली 88 रन की नॉक और गुजरात टाइटंस को एक और बार हार का स्वाद चखा दिया। इस बार वेन्यू अपना था, लेकिन जो नॉक खेली 88 रन की वो टॉप नॉच थी, वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव नॉक बाय ऋषभ पंत इन आईपीएल। बाकी इन दोनों टीम के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या लूप होल्स है, क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग की। डेविड वार्नर इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच नहीं खिलाए गए थे। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं डेविड वार्नर को खिलाओ यार, क्योंकि डेविड वार्नर का जिस दिन हुआ तो फिर ये बॉल कम रन ज्यादा मारते हैं, छक्के चौके मारते हैं और बॉलरों की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इसलिए डेविड वार्नर को आई पर्टिकुलरली वांट टू सी हिम इन द प्लेइंग 11। बाकी आपकी श्रद्धा, बाकी आप जैक फ्रेसर पे दाव लगाना चाहेंगे, क्योंकि जैक फ्रेसर हैज बीन वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर, वन ऑफ द कंसिस्टेंट बैटर इन डीसी साइड। बाकी ऋषभ पंत लगातार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक नॉक को भुला दो तो बाकी इनकी बैटिंग बहुत ही लाजवाब रही है। और अभी हम इनसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि लगातार ऐसी नॉक्स खेलते जाए, क्योंकि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप भी देखना है यार। तो विकेट कीपिंग के अलावा बैटिंग बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल रहेगी। ऋषभ पंत अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट होते हो तो, अगर हटा दो ये सिलेक्ट होंगे। अब देखा जाए गेंदबाजी की ओर, तो गेंदबाजी की ओर अगर नजर डालें, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ये तीन प्रोमिनेंट बॉलर्स हैं, प्रोलिफिक बॉलर्स हैं, जो कि विकेट चटका रहे हैं इनकी टीम की तरफ से, एंड कहीं ना कहीं बॉलिंग जो है इनके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। बाकी ईशान शर्मा अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, वहीं बाकी के जो अभिषेक पोरेल एज अ बैटर तो ठीक है यार, बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी ठीक है। अक्षर पटेल को ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, लास्ट मैच में 150 आई है, मनोबल बड़ा होगा, लेकिन उस मनोबल को सिर्फ एक मैच तक लिमिट नहीं करना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करो और रन भी बनाओ, विकेट भी छटकाओ जैसा आप खेलते हो। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम। देखो मुंबई इंडियंस के 6 पॉइंट हैं, एंड जो दो से तीन सीजन हम देख रहे हैं ना, इनकी टीम में दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें बढ़ने का नाम ले रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और हार्दिक पांड्या के कैप्टन बनाने के बावजूद ना, हार्दिक पांड्या कैप्टन बने उससे कुछ बदला नहीं है ज़्यादा कुछ। हाँ एक चीज़ बदली है, रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा हो गया है, तो रोहित शर्मा एज अ बैटर बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। ईशान किशन उनको अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, सूर्य कुमार यादव हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस स्काई एनी डे, एंड स्काई जब बरसते हैं तो फिर आसमान जो होता है वो स्काई के नाम होता है। तो भाई ठीक है, तिलक वर्मा कंसिस्टेंट रन गेटर टीम के लिए, एंड एक पॉजिटिव फैक्टर मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के लिए। हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा दी, और एक्सपेक्टेशन ना बॉलिंग से पूरी हो पा रही है ना बैटिंग से पूरी हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर इनको अपनी जो इज्जत है ना वो बचानी और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में सिलेक्ट होना है। तो क्योंकि बातें ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और हमने देख लिया परफॉर्मेंस बहुत वीक है। बाकी बॉलिंग में आ जाते हैं, जसप्रीत बुमराह टीम की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर, टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर इस वक्त पे चल रहे हैं। कोजी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जेरल कोजी अच्छे बॉलर बनकर उभरे, हमने इनको वर्ल्ड कप में देखा था, वर्ल्ड कप के बाद से ना इनकी परफॉर्मेंस अपग्रेड होती नजर आई और टीम इंडिया बहुत ज्यादा खतरे में नजर आ रही है। लेकिन आईपीएल खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया इनका एक चुरा तो लेगी कि भाई कहां इनकी में दिक्कत आ रही है, वहां पे इनको रन मारेंगे। तो ठीक है, श्रेयस गोपाल कर देंगे जब अपना दिन होगा, लेकिन हाँ इतने सपोर्ट रोल में अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं गोपाल। टीम सही है, देखना होगा कॉम्बिनेशन किस तरह से बैठाते हैं, बाकी टीम एक दूसरे की जो कड़ी बनाती है ना वो कैसे बनाती है। अब बात कर लेते हैं फैंटेसी टीम के बारे में। तो ये रही हमारी फैंटेसी 11, बाकी आप लोग सूझबूझ समझदारी से फैंटेसी टीम बनाइएगा। हम शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग में, ऋषभ पंत और ईशान किशन ये दो खिलाड़ी आप शामिल कर लो, क्योंकि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर ना, ये टॉप ऑर्डर संभालते हैं, मिडिल ऑर्डर संभालते हैं, दोनों ही संभालते हैं बहुत बढ़िया। तो आपको ये दो विकेट कीपर अपनी टीम में शामिल करने हैं। बैटिंग में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जैक फ्रेसर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, ये खिलाड़ी आपको किसी भी दिन आपकी फैंटेसी टीम को रॉकस्टार बना सकते हैं, चाहे वो ग्रैंड लीग की बात करो, चाहे आप हेड टू हेड की बात करो। ये प्लेयर्स, सेट ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो आपकी टीम को बहुत ज़्यादा मजबूती दे देंगे। तो ये आपकी बैटिंग फिगर होनी चाहिए। वहीं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ये आपके तीन गेंदबाज होने चाहिए।
तीनों ही विकेट टेकर गेंदबाज हैं, तो कोई शक की गुंजाइश पैदा नहीं होता है। कैप्टेंसी की बात करें, ऋषभ पंत को बनाओ कैप्टन, और सूर्य कुमार यादव को मुझे लग रहा है ये इनको इनको मैदान ना अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में रास आने वाला है, तो सूर्य कुमार यादव आपके होंगे वाइस कैप्टन। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जैक फ्रेसर के साथ जा सकते हो, रोहित शर्मा के साथ जा सकते हो, ये दो आपकी ऑप्शनल फिगर्स हैं, बाकी आपके ऊपर मेहरबान है, तो भाई हमारी टीम के साथ जाएं और जलवे बिखेरें। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन। तो भाई मुंबई इंडियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतती दिख रही है, लेकिन ये मुकाबला ना 60-40 का रहेगा। 60% मुंबई इंडियंस के हाथ में होगी कमान और 40% दिल्ली के पास होंगे चांसेस। अब जैक फ्रेसर, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव 40 रन के आसपास बनाएंगे, लेकिन वो क्विक फायरी रन होंगे जो कि आपकी फैंटेसी टीम को सॉलिडिफाई कर देंगे। गेंदबाजी में बुमराह, खलील अहमद, कुलदीप यादव, ये तीन विकेटें छटका रहे हैं, तीन से ज्यादा विकेटें छटकाएंगे तो आपकी फैंटेसी टीम को 4 रन लगा देंगे। बाकी प्रेडिक्शन हो गई, आपको फैंटेसी टीम दे दी, कैप्टेंसी वाइट कैप्स के वाइस कैप्टेंसी पिक दे दी, तो इन सारी पिक्स के नाम लाइक फॉलो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।